आज दुनिया में लाखों स्टार्टअप्स किए जा रहे हैं, जिनमें से कई स्टार्टअप्स तो यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न भी बन रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन US डॉलर से भी अधिक है, जैसे लेंसकार्ट, जोमेटो, स्विगी। और डेकाकॉर्न उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनकी वैल्यूएशन 10 बिलियन US डॉलर से अधिक हो, जैसे बायजूस, पेटीएम। वहीं कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यूएशन 100 बिलियन से भी अधिक होती है, जिन्हें हेक्टाकॉर्न कहते हैं, जैसे एंट ग्रुप, बायोटेंस आदि। स्टार्टअप उस बिजनेस या कंपनी को कहा जाता है इसकी शुरुआत नई नहीं हो। स्टार्टअप लोगों को ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मार्केट में नहीं होते, लेकिन लोगों को उनकी ज़रूरत होती है। ज़्यादातर स्टार्टअप की शुरुआत फाउंडर्स के द्वारा फंड लगाकर या फिर घर या दोस्तों से या फिर लोन लेकर की जाती है, लेकिन जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ता जाता है, वो और सक्सेसफुल होता जाता है, तो उसे फंडिंग की जरूरत होती है ताकि वे अपना स्टार्टअप्स और बड़ा कर सके, उसे और ग्रो कर सके। अगर स्टार्टअप्स को फंडिंग चाहिए तो सबसे पहले स्टार्टअप्स वही जाते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स के पास फंडिंग मांगने के लिए, जिससे वे अपने स्टार्टअप्स को और आगे बढ़ा सकें। स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग में इंडियन इन्वेस्टर्स ही फंड करते हैं। जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप्स में तब फंड करते हैं जब स्टार्टअप ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन उन्हें ये लगता है कि ये स्टार्टअप यूनिक है और इसमें उनका पैसा डूबेगा नहीं, तभी वे उस स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। जिस समय आपके स्टार्टअप के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं शुरुआत में ही, तब वह उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उन्हें एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। इसके बाद अगर आपको अपने स्टार्टअप को और अधिक बढ़ाना है, उसे और अधिक ऊंची लेवल पर ले जाना है, तो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट के पास फंडिंग मांगने के लिए जाना होता है। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें लगता है कि आपका स्टार्टअप और अधिक बड़ा हो सकता है, इसकी वैल्यूएशन और अधिक हो सकती है, तो ये आपके स्टार्टअप में और अधिक इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपके स्टार्टअप की वैल्यूएशन और अधिक हो जाती है, जिस वजह से उन्हें भी इसमें प्रॉफिट होता है, जिससे उनके द्वारा इन्वेस्ट की हुई वैल्यू बढ़ जाती है। आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं, आपके मार्केट की वैल्यू, आपके स्टार्टअप की वैल्यू बढ़ रही है मार्केट में या नहीं, इससे मतलब होता है। आपके स्टार्टअप की सेल बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है ताकि लोगों को लगे कि ये स्टार्टअप और बढ़ रहा है, ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। स्टार्टअप की ग्रोथ हो रही है, जिससे और भी इन्वेस्टर इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए आए, ताकि उन्हें जो इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। वहीं इसके बिल्कुल अलग होते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। ये आपकी कंपनी में तब आते हैं जब आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लगती है। ये आपकी कंपनी में तब तक इन्वेस्ट नहीं करते तब आपका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल ना हो। ये आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर होते हैं। और जब किसी स्टार्टअप को और अधिक फंडिंग की जरूरत होती है, तो वह अपनी कंपनी के शेयर को पहली बार जनता के लिए लॉन्च करता है। इसे हम उस कंपनी का स्टार्टअप का IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टार्टअप के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी आपको जिन जिन स्टार्टअप्स के बारे में डिटेल में जानना है, आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो कमेंट करें कि मैं इस वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।